वायरल इन्फेक्शन अपने साथ साथ कुछ सिम्टम्स लेकर आते हैं जिनके बारे में जानकारी होनी एज अ पेरेंट आपको बहुत जरूरी होती है। तो आज के इस वीडियो में न केवल आपको वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स के बारे में जानकारी मिलेगी बल्कि आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से अगर आपके बच्चे को ये इन्फेक्शन हो जाता है तो आप अपने बच्चे का ध्यान रख सकते हैं, कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो अलार्मिंग होते हैं, किस तरीके से आप अपने बच्चे का घर पर ख्याल रखेंगे ताकि उसको किसी भी तरीके से इस इन्फेक्शन की वजह से कोई तकलीफ ना हो, उसकी कंडीशन सीवियर ना हो, आयुर्वेद के कौन से ऐसे उपाय हैं जो रामबाण होते हैं इस दौरान आपके बच्चे को जल्दी स्वस्थ करने में। साथ ही वायरल इन्फेक्शन में एक ऐसा सिम्टम भी देखने में आ रहा है जिसके बारे में पेरेंट्स को पता नहीं है, उनकी जानकारी नहीं होने की वजह से वो पैनिक कर जाते हैं, घबरा जाते हैं और इस परिस्थिति में आपका घबरा जाना, आपका डर जाना बच्चे के लिए और स्ट्रेस की बात हो सकती है। वीडियो में बताई गई हर एक बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और एक ही वीडियो में इतनी सारी जानकारी शायद ही आपको किसी और वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। इस जानकारी से आपके जरिए आपके बच्चे की बहुत मदद हो सकती है, तो वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसी तरीके की यूजफुल इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी हिट जरूर कर दीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हुआ करें नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाया करें और इस तरीके से आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो इसे अपने तक मत रखिएगा, दूसरों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेते हैं इस वीडियो में। इस मौसम में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो इन्फेक्शन इस दौरान होता है वो है वायरल इन्फेक्शन। इसमें एडीनो वायरस की वजह से, इंटरो वायरस की वजह से या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से बच्चे परेशान हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानकारी बढ़ा लेते हैं वायरल इन्फेक्शन के कुछ मोस्ट कॉमन सिम्टम्स के बारे में। वायरल इन्फेक्शन में फीवर हाई होता है, 103 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, ठंड लगकर बुखार आ सकता है, सर्दी, नाक बंद, खांसी, गले में खराश और दर्द, इसके साथ साथ हेडेक, पेट खराब होना, नौजिया, मसल पेन, बैक पेन, आर्म पेन, बहुत वीकनेस और थकावट, ये कुछ आम से सिम्टम हैं जो बच्चों में दिखाई देते हैं। इसके अलावा एक और सिम्टम है जो देखकर माँ बाप बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि बच्चे को पैरालिसिस हो गया है। इसमें होता यह है कि जब फीवर, वायरल फीवर जब कम होने लगता है, यानी कि दूसरे तीसरे दिन अमूमन ऐसा देखा जाता है कि वायरल इन्फेक्शन का फीवर कम होने लगता है, उस दौरान बच्चा उठकर चल पाने में असक्षम हो जाता है, वो अपने शरीर का भार अपने पैरों पर नहीं दे पाता है। ये माइल्ड एंड सेल्फ लिमिटिंग लोअर एक्सट्रीमिटी पेन होता है बच्चों में, जो कि बहुत कॉमनली देखने में आता है व्हेन दे रिकवर फ्रॉम वायरल इलनेस। तो इस सिम्टम को अगर आप बच्चे में देख रहे हैं तो वहाँ आप नोटिस करेंगे कि उनके काफ मसल्स में हल्की टेंडरनेस होगी, वो वॉक कर पाने में अनेबल होंगे, कभी कभार बच्चे क्रॉल करना चाहते हैं वो चल नहीं पाते हैं इस वजह से। तो घबराना इस सिचुएशन में नहीं है, ये यूजुअली 2 से 3 दिन में सही हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर बच्चे को ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो आप डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, आयुर्वेद में भी इसका बहुत अच्छा इलाज है। क्या ऐसे घरेलू उपाय हैं जो इस कंडीशन में बच्चे के लिए बहुत राहत का काम कर सकते हैं, उसे जल्दी रिकवर करा सकते हैं, वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब जो चीज़ आती है वो ये कि इस दौरान बच्चे को खाने पीने में क्या दिया जाए। सबसे पहले भोजन के बारे में बात करते हैं, दवाइयाँ हमेशा सेकेंडरी होती हैं, इस बात को आयुर्वेद मानता है। आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, लेकिन इसके बाद सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस दौरान खाने पीने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो ये कि बच्चे को जो आप खाना देने वाले हैं वो सादा, सुपाच्य और ताज़ा बना हुआ हो। आप उसके खाने में उसे दलिया दे सकते हैं, जौ का इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंग दाल की खिचड़ी दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार सब्जियों का सूप जरूर दें, जिसमें आप लहसुन, अदरक, काली मिर्च, इनका इस्तेमाल तो जरूर करेंगे। अगली चीज जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है वो ये है कि बच्चे का प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन होना चाहिए। डिहाइड्रेशन बच्चे को किसी भी तरीके से ना हो, इस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए पीने का पानी जो आप उसे देने वाले हैं इस दौरान, वो आप उबाल कर, ठंडा कर स्टोर करके रखें। आप उसे नींबू पानी दे सकते हैं दिन भर में 2 से 3 बार। कोशिश कीजिए कि नींबू पानी जो आप बनाएंगे वो हल्के गर्म पानी में, पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस पानी में आप उसे ORS जरूर देंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से ये बचाने का काम करेगा, जो इस दौरान बहुत कॉमन है बच्चों में हो जाना। जो चीजें नहीं देनी है वो है फल, फल किसी भी प्रकार से इस समय में बच्चे को न दें।
क्योंकि इस दौरान जिस तरीके की डाइजेस्टिव फायर यानी जिसे हम आयुर्वेद में पाचक अग्नि कहते हैं, जो खाना पचाने का काम करती है, वो वैसी ही धीमी रहती है, तो फल पचाने में इसे दिक्कत होने वाली है, इसलिए फल हमें नहीं देना है। ठंडी चीजें, फ्रिज की चीजें बिल्कुल नहीं देनी है। दूध नहीं देना है, जी हाँ दूध नहीं देना है, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो आप एक चुटकी हल्दी मिलाकर एक कप दूध में उसे बॉयल करने के बाद हल्दी वाला दूध बच्चे को दे सकते हैं। हल्दी वाला दूध किस तरीके से बनाया जाता है उसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ऊपर आई बटन पे दे दूंगी, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए और उस तरीके से आप हल्दी वाला दूध बनाकर बच्चे को दे सकते हैं। इस दौरान दिन भर में एक से दो बार आप इसे दे सकते हैं। रेस्ट से बड़ी दवाई इस दौरान बच्चे के लिए कुछ नहीं हो सकती है, इस बात का ख्याल आप रखें। ये कहना इस वजह से बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चों की आदत होती है कि बुखार अगर पैरासिटामोल वगैरह देने से कम होता है तो वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, और यही वो समय है जिसमें बच्चे अपनी स्टोर्ड एनर्जी को खर्च करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके रिकवरी के लिए। तो कोशिश करनी है पूरी तरीके से कि बच्चा आराम करे। अब हम बात कर लेते हैं दवाओं के बारे में। अगर बच्चे को फीवर हो रहा है तो सबसे पहले आप आइब्रूफेन पैरासिटामोल की तरफ दौड़ेंगे। इसके साथ साथ आप आयुर्वेद की कुछ बहुत अच्छी दवाएं हैं जो बच्चे को दे सकते हैं, जैसे महासुदर्शन घनबटी, अमृता सत्व, ये कुछ ऐसी दवाएं हैं जो बुखार को कम करने का काम करती हैं, लेकिन शायद आपकी जानकारी में नहीं है, तो इसके बारे में जानकारी लीजिए आयुर्वेदिक चिकित्सक से। अपने बच्चे के उम्र के हिसाब से डोज एडजस्ट कराकर आप बच्चे को दे सकते हैं। अगली जो चीज आपको करनी है वो सीतोपलादी और हरिद्राखंड, इन दोनों पर मेरा वीडियो मौजूद है, आप जाकर उनको देखिए, बहुत इफेक्टिव दवाई है। और इस दौरान आपके बच्चे को जो खांसी सर्दी होती है, नाक उसकी बहती रहती है, उसमें ये बहुत ज्यादा रिलीफ देने वाली है। अब आप जानना चाहेंगे कि डोज क्या होनी चाहिए इन दवाओं की, तो आधा छोटा चम्मच सीतोपलादी का चूर्ण और आधा छोटा चम्मच हरिद्राखंड का चूर्ण दोनों को मिला लें, और अगर आपका बच्चा 4 साल से ऊपर का है तो आप इसे उसे दे सकते हैं मध में मिलाकर, शहद में मिलाकर आप इसे चटाएं दिन भर में 2 से 3 बार। अगली जो औषधि आप दे सकते हैं वो है पंचकोल का काढ़ा। पंचकोल के बेनिफिट्स के ऊपर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जाकर उस वीडियो को देखिए। जितने इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आज के इस वीडियो से रिलेटेड, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन पे भी आपको सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, तो जाकर उन वीडियोस को जरूर देखिए, आपको उन वीडियोस की जानकारी से बहुत मदद हो सकती है। वायरल मायोसाइटिस के केस में अगर बच्चों के पैरों की मालिश की जाए तिल के तेल से, जो कि आयुर्वेद में सर्वोत्तम तेल है, तो इस मालिश से बच्चों के पैरों के मसल्स जो है वो मजबूत होते हैं और बच्चा जल्दी रिकवर करता है। दिन भर में कम से कम 2 बार इस तेल से मालिश अवश्य करें। ये थी कुछ आयुर्वेद की मेडिसिंस जो इस दौरान आपके बच्चे के लिए बहुत कारगर हो सकती है, उसे बहुत फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन इन दवाओं का इस्तेमाल करने से पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर कर लें। ऐसा मैं इस वजह से कहती हूँ क्योंकि हर बच्चे की उम्र अलग अलग होती है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि आपका बच्चा किस उम्र का है, तो उम्र के हिसाब से दवाओं के डोजेस बदल जाते हैं, काढ़े तक की क्वांटिटी बदल जाती है, तो आपके बच्चे की उम्र के हिसाब से डोज डिसाइड करेंगे एक आयुर्वेदिक चिकित्सक। लवन भास्कर चूर्ण, अश्वगंध, रस पित्री, कुमार कल्याण रस, ऐसी अद्भुत औषधियां आयुर्वेद में कई सारी हैं जो इस कंडीशन में बच्चे की बहुत मदद कर सकती हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। बेझिझक परामर्श करें, इस बीमारी का बहुत सफल इलाज आयुर्वेद में संभव है। वीडियो के आखिर में अब हम पहुंच गए उस पड़ाव पर जिसमें हमको बात करनी है कुछ अलार्मिंग सिम्टम्स के बारे में। जी हाँ, वायरल इन्फेक्शन में भी कुछ बहुत खतरनाक सिम्टम्स होते हैं जो अगर बच्चे में दिख रहे हैं तो बिना आपको समय गवाए डॉक्टर के पास अपने बच्चे को लेकर जाना चाहिए, ताकि उसका उचित इलाज समय पर कराया जा सके, ताकि समय पर सही इलाज से आपके बच्चे की कंडीशंस को सुधारा जा सके, उसे स्टेबल किया जा सके। बच्चे के शरीर पर अगर किसी भी तरीके से कोई रैशेस दिखते हैं, अगर उसके आर्म्स पर, अगर उसके थाइस में, अगर उसके काफ मसल्स पे किसी भी तरीके का कोई रैश दिखता है, स्किन डिस्कलरेशन दिखती है, तो ये अलार्मिंग है। अगर उसे जोड़ों में बहुत सीवियर दर्द होता है, अगर बच्चा जोड़ों में दर्द की शिकायत कर रहा है, घुटनों में दर्द की शिकायत कर रहा है, हाथ की उंगलियों में दर्द की शिकायत कर रहा है, एल्बो में दर्द की शिकायत कर रहा है, तो ये सिम्टम अलार्मिंग है, इस पर आपका ध्यान देना बहुत जरूरी है। बच्चे को ब्रेथलेसनेस हो रही है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, अगर उसका दम फूल रहा है, तो इस कंडीशन में भी तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बच्चा खाना बिल्कुल नहीं खाना चाह रहा है, ना कुछ खाना चाह रहा है और ना ही पानी पीना चाह रहा है,
तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जो अलार्मिंग होते हैं, जिन पर आपका ध्यान देना बहुत जरूरी है और जिस कंडीशन में तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी हो जाती है। तो आप सभी पेरेंट्स जो भी मुझे देख रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने की आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।